नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में बुधवार को दिल्ली भाजपा ने विभिन्न स्थानों से केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से इस अभियान की शुरुआत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता की उपस्थिति में हजारों कार्यकर्ताओं ने नई आबकारी नीति के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया। 31 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान के द्वारा भाजपा लगभग 15 लाख लोगों तक पहुंचेगी और उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर को महामहिम राष्ट्रपति को सौंपेगी ताकि केजरीवाल की जनविरोधी आबकारी नीति को वापस लिया जा सके। इस अवसर पर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में शराब के ठेके खोलना किसी भी तरह से सही नहीं है। अपनी जेबें भरने के लिए केजरीवाल इतने लालची हो गए हैं कि आज उन्हें सही और गलत की पहचान तक नहीं है। यहीं अरविंद केजरीवाल हैं जो महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे और अभी भी दूसरे राज्यों में जाकर लोगों को झूठी तसल्ली दे रहे हैं। लेकिन क्या दिल्ली के रिहायशी इलाकों में शराब के ठेके खोलने से महिला एवं बच्चे सुरक्षित महसूस करेंगे? इस पर केजरीवाल ने एक बार भी नहीं सोचा। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि इस हस्ताक्षर अभियान का उद्देश्य दिल्ली की जनता को जगाना है और बताना भी है कि केजरीवाल सरकार जो ये कहते थी कि दिल्ली के अंदर कोई भी शराब की दुकान खोलेगा तो वहां की RWA और महिला संगठनों से अनुमति लेंगे या राय लेंगे, लेकिन आज बिना राय अनुमति लिए 850 दुकानें खोलने की तैयारी चल रही है और कई दुकानें खोल भी दी गई हैं। उन्होंने कहा कि राजघाट से हमने आंदोलन की शुरुआत की थी और अब प्रदेश के सभी मोर्चे के कार्यकर्ताओं के साथ ज्यादा बृहद रूप में दिल्ली में आंदोलन किया जाएगा। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, और लोकतंत्र का मतलब है जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के साथ जो सरकार चले वही लोकतांत्रिक सरकार होती है। और लोकतंत्र के अंदर मुझे इतनी सारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, महिलाओं के ग्रुप्स और तमाम क्षेत्रवासियों से चिट्ठियां मिली हैं जिसमें वो सब इन शराब की नीति के विरोध में हैं और वो कह रहे हैं कि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर मार्केट आना जाना हमारा बंद हो जाएगा। क्षेत्र के अंदर जहां पे स्कूल्स हैं वहां पे शराब की दुकानें खुल रही हैं, दो दो दुकानों को एक करके शराब की दुकान को बढ़ाया जा रहा है और लगातार जनता की सेफ्टी हिफाजत का ध्यान नहीं रखते हुए, महिलाओं की सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखते हुए परिवारों को बर्बाद करने वाली जो नीति है वो केजरीवाल जी लेके आए हैं। और यहां तक कि दिल्ली में वो कहते हैं कि मैं पंजाब में जाके कहते हैं कि नशा मुक्त पंजाब होगा और दिल्ली में नशा बढ़ाने का काम कर रहे हैं और लगातार शराब की दुकानें बढ़ाकर जिस भी तरीके का इन्होंने अपना सिस्टम सेट किया है वो सबके सामने है। क्योंकि शराब की दुकानें तो पहले भी थी, शराब की तो कोई कमी दिल्ली में थी नहीं, मगर उनकी संख्या इतनी बढ़ाने की नौबत क्यों आई और उससे इन्होंने क्या लाभ उठाया, जरा उसका ब्यौरा जनता के बीच आके दें। और उसी के विरोध में आज ये हस्ताक्षर अभियान यहाँ चल रहा है जो कि इनके घर पहुंचाया जाएगा। बीजेपी मोर्चा, सभी मोर्चे पूरी दिल्ली के अंदर, हम ये अभियान 31 दिसंबर तक चलेगा और हम इसमें 15 लाख से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर कराएंगे। जगह जगह चौक चौराहों पर, बड़े मार्केट्स के अंदर, वीकली मार्केट्स में और मंदिरों में जहां ज्यादा लोग आते हैं, और घर घर जाकर ये 15 लाख हस्ताक्षर हम महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे। दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार जो पैसे के लिए अंधी हो गई है और दिल्ली के अंदर नई शराब की दुकानें खोलकर गली मोहल्ले में लोगों को शराब पिलाना और युवाओं को नशे में धकेलना, ये आज दिल्ली सरकार की पहचान बन गई है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जब पंजाब में जाते हैं तो वो नशेबंदी की बात करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां पर नशे से लोग बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए वो राजनीति के लिए वहां नशेबंदी की बात करते हैं। और दिल्ली में वहीं वो अपनी आम आदमी पार्टी को फंड दिलाने के लिए और दिल्ली सरकार को जिस तरह से वो कह रहे पैसे कम है उसके लिए नशे माफिया के साथ मिलकर, शराब माफिया के साथ मिलकर शराब की नई पॉलिसी, जिसके खिलाफ आज दिल्ली की जनता है, महिलाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ। सर, राष्ट्रपति को जो ज्ञापन देंगे उसमें क्या कुछ लिखा होगा और क्या राष्ट्रपति संवैधानिक तौर पर इस पूरे मामले में दखल दे सकते हैं? देखिए, राष्ट्रपति हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं और जिस तरह से दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री जी जो
कानून की बात सुन नहीं रहे, अगर उसका हम महामहिम राष्ट्रपति जी को कहेंगे तो निश्चित रूप